हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये रेड ग्लिटरी आई मेकअप लुक। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। और गाइज, इस मेकअप लुक को मैंने बहुत ही 3 या 4 ईजी सिंपल स्टेप्स के साथ किया है। इसे करना बहुत ही आसान है, आप भी इसे इजिली ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इस लुक को करना, तो चलिए देख लेते हैं। इस लुक को आप किसी भी मुस्लिम वेडिंग में या फिर किसी भी फंक्शन में या वेडिंग फंक्शन में या इंडियन वेडिंग फंक्शन में भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अपनी आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी आई मेकअप के लिए, क्योंकि इससे मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। जब भी आप कोई आई मेकअप करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसलिए अपनी आईब्रोज़ को फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर रही हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, सेट कर लूँगी मैं इसे अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर, और इस कंसीलर की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन कर लूँगी। और पूरी आईलिड पर कंसीलर लगा रही हूँ, ताकि मेरा जो आई शेडो है वो अच्छा दिखे और ज़्यादा, और मेरा आई मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। तो इसलिए कंसीलर को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो कंसीलर को, और या फिर आप इस तरीके से स्मॉल फ्लैट ब्रश ले लीजिए, उसकी हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो। जैसे भी आपको ईजी लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने कंसीलर दोनों आईज़ पर लगा लिया है, और मैंने पर्पल कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लिया था। तो सॉरी गाइस, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से, ये मैट शेड ले रही हूँ रेड कलर का, और इसे मैं अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और आपने भी ब्लेंड करना है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है आई शेडो की, नहीं तो आई शेडो ख़राब दिखेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमारा आज का जो लुक है वो रेड ग्लिटरी आई मेकअप लुक है। तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर आई शेडो हो भी जाता है, आपके आईलिड पर लग जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद मैं सेम पैलेट से ले रही हूँ ये ब्लैक कलर का शेड, और इसे इस तरीके से मैं आउटर वी पर लगा लूँगी। तो आपने सिर्फ इसे आउटर वी पर ही प्लेस करना है, और इस तरीके से हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सेम कंसीलर, और इसके बाद मैं स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को इनर कॉर्नर्स में और हाफ आईलिड पर लगा लूँगी, इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसे मैं इसलिए लगा रही हूँ गाइस, ताकि इसके बाद जो मैं ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करूँ वो और ज़्यादा अच्छा दिखे और अच्छे से स्टिक हो जाए ग्लिटर मेरी आईज़ पर। तो ये देखिए, मैंने कंसीलर को लगा लिया है अच्छे से यहाँ पर। अब मैं मार्स शिमर आई शेडो पैलेट से ये रेड शिमर शेड ले रही हूँ, और इसे मैं सेम ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो, मैंने दोनों ही चीज़ों से आपको लगा कर दिखा दिया है। फिंगर की हेल्प से भी लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, और ब्रश की हेल्प से भी मैंने लगा लिया है, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप लगा सकते हो। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी ग्लिटर आई शेडो पैलेट से ये रेड कलर की ग्लिटर लूँगी, और इसे फिंगर की हेल्प से मैं अपनी आईलिड पर लगा लूँगी, जहाँ पर मैंने शिमर आई शेडो लगाया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइस, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप कोई ग्लिटर अपनी आईज़ पर लगाते हो या ग्लिटर मेकअप कर रहे हो ना, तो सेम ग्लिटर आप अगर लगाते हो तो उसी कलर का सेम आई शेडो आप लगा लीजिए अपनी आईलिड पर, यानी कि शिमर शेड लगा लीजिए। इससे आपका जो ग्लिटर है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने विंग आईलाइनर बनाया है, आप देख सकते हो। आपको विंग आईलाइनर पसंद है तो आप वो लगा सकते हो, आपको जो भी पसंद हो वो आप लगा सकते हो। इसके बाद मैंने मेबलिन की काजल लगा लिया है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा जो ग्लिटर थोड़े बहुत फॉल आउट हुआ था वो मैंने ये रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं सेम रेड कलर का शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी, और इसे हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। और अब मैं ऑफ कैमरा अपनी फॉल्सेस लगा लूँगी, यानी कि फॉल्स आईलैशेस लगा लूँगी। आप चाहें तो लगा सकते हो, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पर। अपनी ब्रो बोन पर और इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर मैंने लगा लिया है। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। और आपको मैं यहाँ पर एक और लुक दिखा देती हूँ, जिस तरीके से मैंने इस लुक को कैरी किया है। आप इसे इस तरीके से भी अलग अलग स्टाइल में कर सकते हो इस लुक को। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का मेकअप लुक पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये आज का मेकअप लुक कैसा लगा।
और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।